नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। ऋषभ पंत पूरे आईपीएल 2020 में अपना फॉर्म खोजते ही रह गए, पर मिला नहीं। ऋषभ पंत ने आईपीएल के फाइनल में वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कृणाल पांड्या को निशाना बनाते हुए ऋषभ पंत ने एक ही ओवर में 2 छक्के लगाते हुए 16 रन ठोक डाले। इस ओवर के बाद लगा कि अब दिल्ली का ये खबू बल्लेबाज फॉर्म में लौट आया है। कमाल के छक्के और दिल्ली के फैंस के चेहरे पर खुशी की लहर। पहली पारी के 10वें ओवर में कृणाल पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आए थे। ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने एक सिंगल लिया। इसके बाद स्ट्राइक पर आ गए ऋषभ पंत और इस गेंद पर ऋषभ पंत ने उठा के सीधे खेल दिया। लॉफ्टेड शॉट और साइड स्क्रीन पर जाकर गेंद लगी। तीसरी गेंद पर फिर सिंगल आया और अय्यर ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1 रन चुरा लिए। स्ट्राइक दिया ऋषभ पंत को। ओवर की 5वीं गेंद ऋषभ पंत ने घुटनों के बल बैठकर छक्के के लिए उड़ा दिया और आखिरी गेंद यॉर्कर थी तो समझदारी से 1 रन चुरा कर स्ट्राइक अपने पास रखा, यानी कि 4 सिंगल और 2 छक्कों के साथ इस ओवर में आए 16 रन और साथ ही ऋषभ पंत को मिला आत्मविश्वास। आपको बता दें, आईपीएल के 13वें सीजन का फाइनल मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका पारी की पहली ही गेंद पर लगा जब ट्रेंट बोल्ट ने मार्कस स्टोइनिस को विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करा दिया। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।